क्या होगा अगर दुनिया पर मौजूद सारे इंसान एक साथ समुद्र में बैठ जाए या कूद जाए, तो क्या सुनामी आएगी या फिर कुछ द्वीप डूब जाएंगे? क्या पानी का स्तर बढ़ेगा या समुद्र को कोई असर नहीं होगा? असर तो पड़ेगा, ये सच है। कितना, ये तो धरती की आबादी के हिसाब से जोड़कर बताना पड़ेगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसा हो तो समुद्र का पानी कितना बढ़ेगा। बाथ टब के छोटे से उदाहरण से समुद्र तक की गणित समझने की कोशिश करते हैं। जब आप पानी के टब में कूदते हैं तो उससे अंदर मौजूद पानी का एक बड़ा हिस्सा बाहर निकल जाता है। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन। आसान भाषा में कहें तो आपके शरीर का आकार वजन पानी को ढकेलता है, क्योंकि बाथ टब का आधार और किनारे मजबूत और सॉलिड होते हैं। पानी ऊपर की ओर भागता है। जितना आपके शरीर का वजन होता है, लगभग उतना ही पानी टब से निकलकर बाहर चला जाता है। अब आप ये सोचिए कि अगर बाथ टब आधा भरा हो तो क्या होगा। मान लेते हैं कि बाथ टब एक लंबा बॉक्स है। जब आप उसमें बैठते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि कितना पानी उसमें ऊपर की ओर बढ़ा, यानी जल स्तर ऊपर उठा। बाथ टब अगर 5 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा है तो उसका क्षेत्रफल होगा 10 वर्ग फीट। अब आपके शरीर का वॉल्यूम नापते हैं। मान लेते हैं कि आप 4 फीट लंबे, 2 फीट चौड़े और 1 फीट गहरे, तो आपके शरीर का वॉल्यूम होगा 4 × 2 × 1, यानी 8 क्यूबिक फीट। जब आप बाथ टब में बैठते हैं तब आप अपने शरीर का लगभग आधा वॉल्यूम बाथ टब में डालते हैं। इसका मतलब ये है कि जितना पानी बाथ टब में ऊपर की ओर बढ़ा वो आपके शरीर के वॉल्यूम का आधा है। जब आप 4 क्यूबिक फीट को 10 वर्ग फीट से डिवाइड करेंगे तो ये करीब 5 इंच के बराबर आएगा, यानी बाथ टब में पानी का स्तर 5 इंच ऊपर गया। हमारी धरती के समुद्र विशालकाय बाथ टब ही तो हैं। धरती के 70% हिस्से पर सिर्फ सागर है। ये करीब 36.25 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। अब अगर धरती के सारे लोग समुद्र में एक साथ कूद जाए तो उसके जल स्तर में कितनी बढ़ोतरी होगी, बड़ा सवाल है। देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। इस समय धरती पर करीब 800 करोड़ लोग रहते हैं। अब दिक्कत ये है कि सारे इंसान एक आकार के नहीं होते, इसलिए हम औसत आकार 5 फीट का मानकर चलते हैं, यानी औसत वॉल्यूम हुआ 10 क्यूबिक फीट। जब लोग समुद्र में एक साथ बैठेंगे तो उनके शरीर का आधा हिस्सा ही पानी के अंदर जाएगा, इसलिए 5 क्यूबिक फीट के हिसाब से समुद्र में वॉल्यूम जुड़ेगा। अब अगर 800 करोड़ लोग एक साथ समुद्र में बैठेंगे तो इसे 5 से गुणा कर दीजिए तो सभी लोगों का वॉल्यूम हो जाएगा 4000 करोड़ क्यूबिक फीट, यानी आप 36.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैले समुद्र में 4000 करोड़ क्यूबिक फीट का वॉल्यूम जोड़ेंगे। अब जानते हैं कि इससे समुद्र के पानी का स्तर कितना बढ़ेगा। इसका जवाब ये है कि जब दुनिया के सारे इंसान एक साथ अगर समुद्र में बैठेंगे तो उसका जल स्तर 0.00012 इंच ऊपर उठेगा, यानी इंसान के बाल के व्यास का आधा। अगर सारे लोग गोता लगा लेंगे तब जाकर समुद्र के पानी का स्तर 0.00024 इंच ऊपर उठेगा, यानी इंसान के बाल के बराबर। इसका मतलब ये है कि सारे इंसान मिलकर भी समंदर में बाल भी बाका नहीं कर सकते। ये सिर्फ बाल्टी में एक बूंद पानी के बराबर की हरकत होगी। लेकिन इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमारे समंदर कितने बड़े हैं, क्योंकि इनकी वजह से हमारी धरती नीले रंग खूबसूरती से ढकी रहती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे एक लाइक और शेयर जरूर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।